भगवान के प्राकट्य के बयान से लेकर के उनके वनवास तक, अयोध्या विवाद तक, न जाने कितने ही विवरण हैं और कितने ही बयान हैं, कितने ही कहानियां हैं जो कि उन्हीं से शुरू होती हैं और उन्हीं में समाहित हो जाती हैं। तो इन्हीं कहानियों का रुख आज जनता टीवी करेगा, परत दर परत हर वो बात खोलेगा जो आपके सामने आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पूजा मोहन पांडे और आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश राम की कहानी। देश के सबसे बड़े मुकदमे यानी कि अयोध्या विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि विवादित जमीन रामलला को दे दी जाए और साथ में कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन मुहैया कराई जाए। नौ नवंबर 2019 वक्त 10:30। हजारों लोगों की सांस थमी हुई थी, धड़कनें तेज थी, लम्हा मानो सदियों की तरह बीत रहा हो। जुबां पर बस एक ही सवाल, सवाल था जमीन पर किसका अधिकार। आखिर वो घड़ी आ ही गई, खत्म हो गया सालों का इंतजार और आ गया वो फैसला। अंग्रेजों से आजाद तो हो गए थे लेकिन अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे मुकदमे से आज आजादी मिली है। अब अयोध्या में करोड़ों लोगों के राम मंदिर बनने का सपना सच होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को देश के सबसे लंबे चले मुकदमे यानी कि अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला की है। कोर्ट ने इस मामले में निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तीन पक्ष में जमीन बांटने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तार्किक नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का भी आदेश दिया है। देश की सुप्रीम अदालत ने केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ट्रस्ट के मैनेजमेंट के नियम बनाए, मंदिर निर्माण के नियम बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले से हर कोई संतुष्ट हो गया है तो इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं जफर याब जिलानी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विरोधाभासी करार दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे बड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से पूरे देश में जहां जश्न का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्षकार यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद पर आए फैसले से संतुष्ट नहीं। फैसला पढ़े जाने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जफर याब जिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसले को विरोधाभासी बताया। We are not satisfied with it, and especially from the fact that the land of the mosque, even of the inner courtyard, in which prayers were offered, that too has been given to the other side. इसमें ये हम इसको नहीं इक्विटी मान सकते हैं ना जस्टिस मान सकते हैं, फिर भी हम इसके बारे में जो कुछ लीगल रेमेडी होगी वो उसके बारे में तय करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। तो जिस डॉक्यूमेंट को आप रिलाई कर रहे हैं के हिंदुओं के बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए, उसी डॉक्यूमेंट को आप मुसलमानों के लिए इस्तेमाल रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो उसकी डिटेल्स जजमेंट पढ़ने के बाद ही मेंशन की जाएंगी और वो रिव्यू में ग्राउंड में मेंशन की जाएगी। अगर हमारे पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करती, क्योंकि बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तय किया है कि हमारे वकीलों की टीम और ख़ासतौर से धवन साहब और सीनियर वकला के मशवरे से उनके जजमेंट पढ़ लेने के बाद फिर जो फाइनल डिसीजन देंगे रिव्यू फाइल किया जाएगा या नहीं फाइल किया जाएगा। बता दें कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर अपना दावा पेश नहीं कर पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश केंद्र सरकार को दिया, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये फैसला उनके उम्मीदों के हिसाब से नहीं आया। साथ ही उन्होंने कहीं और जमीन देने की बात पर कहा कि शरीयत के मुताबिक मस्जिद किसी और को नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने सौहार्द बनाए रखने की बात भी कही।
मैंने पूरे देश के लोगों से पहले भी कहा है कि इस जजमेंट से किसी आपसी भाईचारे में कोई कमी नहीं आना चाहिए। ये जजमेंट इसके बाद पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहना चाहिए और कोई कम्युनल डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, न किसी को प्रोटेस्ट करके इसके करना चाहिए, न किसी को इसके लिए कोई सेलिब्रेशन करना चाहिए। ये मौके बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसले पर अपना विरोध जताया। सुन्नी वक्फ बोर्ड का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 9 नवंबर वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वजह साफ है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। जी हाँ, राम जन्मभूमि विवाद यानी कि यूं कहें कि अयोध्या विवाद वो सुलझ गया है। लेकिन इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद राजनीतिक दलों का क्या कुछ बयान सामने आया, देखिए। 499 सालों से अटका फैसला जिस पर टिकी थी सभी की निगाहें, और बीती रात जब ये बात सामने आई कि शनिवार की सुबह 10:30 बजे देश के सबसे बड़े मामले पर फैसला आएगा, तो सब बस उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। 9 नवंबर 2019 समय सुबह के 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर हलचल खत्म हुई और सीजीआई रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। फैसले में क्या कुछ कहा बताते हैं आपको। अयोध्या पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। विवादित जमीन रामलला की होगी, यानी कि अयोध्या में मंदिर बनेगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। गोपाल सिंह विशारद को पूजा का हक दिया गया। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया गया। सरकार निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में दे सकती है हिस्सेदारी। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर नहीं पेश कर पाया अपना दावा। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुन्नी वक्फ बोर्ड संतुष्ट नहीं। पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ सभी पक्षों के लोगों और राजनेताओं में प्रतिक्रियाएं देते हुए लोगों से शांति और सौहार्द की अपील की। फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा सुनिएगा। पूरे देश के लोगों से पहले भी कहा है कि इस जजमेंट से किसी आपसी भाईचारे में कोई कमी नहीं आना चाहिए। ये जजमेंट इसके बाद पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहना चाहिए और कोई कम्युनल डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, न किसी को प्रोटेस्ट करके इसके करना चाहिए, न किसी को इसके लिए कोई सेलिब्रेशन करना चाहिए। जफरयाब जिलानी तो इस फैसले से खुश नहीं दिखे, साथ ही पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करने की बात कही। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि लोग शांति और सहयोग का पालन करें। श्री राम जन्मभूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस देश की जनभावना, आस्था एवं श्रद्धा को न्याय देने वाले निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। जिसके बाद मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिएगा। कोर्ट ने तय कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो कहा देती है कहा नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था वो आज खत्म हो। इसके बाद तो ट्वीट्स और बयानों की भरमार लग गई। हरियाणा के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोग इस फैसले का स्वागत करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने
ये कहा कि इस फैसले ने बीजेपी की राजनीति को खत्म कर दिया है और हम सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं। वर्षों बाद माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर दिया। मुझे लगता है ये मामला किसी व्यक्ति विशेष समूह या दल को श्रेय देने का है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और विश्वास का सम्मान किया है। सर्वोच्च अदालत के आज के फैसले से राम मंदिर के निर्माण के द्वार तो खुल ही गए, जैसा आपने कहा, लेकिन इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस फैसले का सभी स्वागत करते हैं और साथ ही साथ देश भर की जनता शांति और संयम बनाए रखे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस फैसले के बाद क्या कुछ कहा, वो भी सुनिएगा। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबने उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति और सद्भाव वही कायम रखना चाहिए। सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखे, यही मेरी प्रार्थना। तो फैसले की घड़ी और फिर आधे घंटे के अंदर फैसला, लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से सभी ने इस फैसले का स्वागत किया वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कौन कहता है कि मेरे देश में बिखराव है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया, सुप्रीम फैसला आया, तो उसमें एक भाई ने दूसरे भाई को गले लगाया, खुशी का इजहार किया और मिठाई भी खिलाई। इन तस्वीरों में देखिए। देश के सबसे पुराने केस में से एक अयोध्या विवाद पर फैसला आ चुका है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया और राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को अलग जगह जमीन देने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए। वहीं कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है। राम जन्मभूमि अयोध्या में लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। आने से अजी करनाल से और अयोध्या में आके बड़ी खुशखबरी मिली हमको। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को हो ही नहीं सकती है, सबसे ज्यादा खुशी हुई है। हमारे आराध्य प्रभु भगवान श्री राम आ रहे, इससे ज्यादा और खुशी किस बात की हो सकती है। जय श्री राम। हिंदू पक्ष को कई सालों से इस पल का, इस घड़ी का, इस समय का बेसब्री से इंतजार था जो अब पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले का सम्मान बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी किया और कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने तय कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था वो आज खत्म हो। कोर्ट का फैसला तो आ गया और कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने के लिए सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट का गठन करने का आदेश भी दे दिया। फैसले के बाद अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा से लेकर द्वारका तक क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक दूसरे के साथ बस खुशियां मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। 9 नवंबर 2019 वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। वजह साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के मंदिर का रास्ता साफ कर दिया और साफ तौर पर उस विवाद का अंत किया जो लंबे समय से चला आ रहा था।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 45 मिनट में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला पढ़कर सुनाया। जिस फैसले का करोड़ों लोगों को कई सालों से इंतजार था, अब जल्द ही वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन ये विवाद शुरू कहां से हुआ, इस पे नजर डालते हैं। विवादे अयोध्या 1528। बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनवाई। 1853, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के वक्त पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदू समुदाय ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। 1949, विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई। 1950, पहली बार विवादित जमीन का मामला फैजाबाद जिला अदालत पहुंचा। हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने पूजा का अधिकार मांगा। 1959, निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। 1961, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई। मस्जिद और आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। 1981, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1885, फैजाबाद की जिला अदालत ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की महंत रघुवीर दास की अर्जी ठुकराई। 1989, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। 1992, अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया। 2002, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 2010, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 से फैसला दिया। विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बराबर बांटा गया। 2011, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 2016, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण की इजाजत मांगी। 2018, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू। 8 जनवरी 2019, चीफ जस्टिस ने केस 5 जजों की खंडपीठ को सौंपा। 8 मार्च 2019, मध्यस्थता के लिए मुख्य पक्षों को 8 हफ्ते का वक्त दिया। 6 अगस्त 2019, मध्यस्थता के फेल होने के बाद रोजाना सुनवाई का फैसला दिया। सितंबर से अक्टूबर 2019, 40 दिन तक कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। 16 अक्टूबर 2019, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019, सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को जमीन देने का आदेश दिया। अब विवादित जमीन पर रामलला विराजमान होंगे, ये एक ऐसा मसला था जिसकी वजह से कई बार दंगे हुए, कई लोगों की मौत भी हुई, सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा। लेकिन अब उम्मीद है कि इस फैसले के बाद देश में सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा और ये फैसला देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बीजेपी नेताओं और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का खुले हृदय से स्वागत किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस फैसले से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद पर आए ऐतिहासिक फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है। फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और फैसले की तारीफ की। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भारत के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। देश के करोड़ों लोगों को फैसले का इंतजार था। देश के करोड़ों लोग बहुत लंबे समय से इस राम जन्मभूमि के मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। आज सर्वोच्च न्यायालय की इस महत्वपूर्ण खंडपीठ ने सर्वसम्मति से संवैधानिक मूल्यों को ऊपर रखते हुए देश की आस्था
और तमाम सबूत फैक्ट्स और लीगल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, वहीं एक बहुत ही सर्वहित और राष्ट्रहित में एक संतुलित फैसला दिया है। कैप्टन अभिमन्यु ने फैसले को हर वर्ग के हित में बताया, साथ ही कहा कि भारत अपनी नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। इस फैसले को पूरा देश स्वागत कर रहा है और इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। यहां से भारत विश्व में फिर से एक महाशक्ति के तौर पर बनकर के उभरे, समस्त भारतवासी एक होकर के भारत को शक्तिशाली बनाने में जुटे। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इस फैसले से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि फैसले के स्वागत के साथ ही हमें एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। भारत अपनी सनातन समृद्ध संस्कृति के आधार पर नए शिखर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। आज हम वास्तव में बहुत बहुत खुश हैं कि सही मायनों में आज संविधान और कानून का राज, और वहीं देश के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखने वाला एक बहुत शानदार फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, स्वागत योग्य है। हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है, यानी विवादित जमीन पर राम मंदिर के लिए जमीन दे दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर 5 एकड़ जगह देने को कहा गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम फैसला सुना रहा था, ये वो वक्त था जब पूरे देश की नजरें उस फैसले पर टकटकी लगाई हुई थी। जी हाँ, सभी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ फैसला आने वाला है और क्या कुछ अहम बिंदु होने वाले हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जब CJI ये फैसला पढ़ रहे थे, जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था, तो आखिरकार क्या कुछ वो अहम बिंदु थे जो जानने आपके लिए भी जरूरी हैं और पूरे देश के लिए भी। अयोध्या पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। विवादित जमीन रामलला की होगी, यानी अयोध्या में मंदिर बनेगा। मंदिर निर्माण के लिए सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। गोपाल सिंह विशारद को पूजा का हक मिला। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज हुआ। सरकार निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में दे सकती है भागीदारी। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर नहीं पेश कर पाया अपना दावा। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुन्नी वक्फ बोर्ड संतुष्ट नहीं। पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है सुन्नी वक्फ बोर्ड। अगर तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको एक और तथ्य दिखाते हैं। असल में जो हम मांगे वो हमें मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। इसी तरीके से जब राम मुद्दा अयोध्या विवाद बड़ा मसला था तो इसमें पक्षकार भी बहुत थे और उनकी मांगे भी बहुत सारी थी, लेकिन असल में फैसले के बाद किनकी मांगों के बाद किनको क्या मिला, इन ग्राफिक्स के जरिए देखिए। अगर बात रामलला पक्ष की करें तो उन्होंने मांगा पूरी जमीन पर हक, और अगर बात की जाए तो उनको पूरी जमीन पर हक मिल गया। अब बात अगर निर्मोही अखाड़े की करें तो उनकी मांग थी कि मंदिर पर हमारा नियंत्रण हो, लेकिन उनका दावा खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो उन्होंने मांगा था जमीन से बाहर ना किया जाए, और अगर बात करें उनको मिलने की तो 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उन्हें दी गई है। ये मंदिर देख रहे हैं,